नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जिज्ञासा में। मैं हूँ कविता और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा, किन लोगों पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी और किन लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है और किन लोगों को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा इस हफ्ते, ये सब जानेंगे आपका साप्ताहिक राशि फल हम मयंक जी से। तो मयंक जी, शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से कि किस तरह रहेगा मेष राशि का ये आने वाला हफ्ता। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। सप्तम भाव में चंद्रमा भ्रमण करेंगे, काम कारोबार में सफलता मिलेगी आपको, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी नई चीज की शुरुआत करनी है तो बहुत अच्छे शुरुआती दिन है आपके। सप्ताह के बीच में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे तो इस समय किसी भी नए काम की आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा खराब रह सकता है, अपने खान पान पर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। इस समय अगर आप आराम करें तो फायदा रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाव में जब चंद्रमा आपके भाग्य स्थान भ्रमण करेंगे तो बहुत शुभ योग रहेगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनके सुख में भी वृद्धि होगी, संबंध भी आपके सुधरेंगे। तो कुल मिलाकर ये सप्ते का आपको पहला जो फेस है आपका वो बहुत अच्छा है और आखिरी फेस बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। यानी कि सप्ताह के शुरुआत में किसी नए काम से थोड़ा बचना चाहिए। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की, कैसा रहेगा वृषभ राशि का ये आने वाला हफ्ता। वृषभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में भ्रमण करेंगे, जो परेशानियां जो कर्जे थे वो धीरे धीरे अपनी मटने की ओर है, आपकी परेशानियां समाप्त होने वाली है। किसी नए व्यक्ति से मिलकर आपको कुछ उम्मीदें जगेंगी और आप भविष्य में वो आपके लिए बड़े कामयाबी आपको दिला सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपके सप्तम भाव में चंद्रमा भ्रमण करेंगे, ये काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन सप्ताह के अंत में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है। अगर कोई यात्रा आप करना चाहते हैं उसको अभी टालिए एक दो दिन के लिए, क्योंकि सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहा है। और किसी भी नए कार्य की शुरुआत या कोई नई डील करना, किसी से मीटिंग करना, कोई बड़े प्रोजेक्ट, इस समय टालना आपके लिए हितकर रहेगा। चलिए बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पंचम भाव में चंद्रमा भ्रमण करेंगे तो घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। जो मिथुन राशि वाले जो इंजीनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, उनको नई नौकरी का भी इस समय योग बना हुआ है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं सप्ताह, उनके लिए बहुत अच्छा है सप्ताह है। पूरे सप्ताह उनको धन लाभ की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में भी तरक्की हो सकती है। और सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके बहुत एक कहीं बहुत अच्छे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा योग है। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों के विवाह के जो योग कुंडली में बन रहे हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनका विवाह का योग भी समय बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मैंग जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सप्ताह जो आने वाला हफ्ता है ये मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा जाने वाला, हर तरफ से गुड ही गुड न्यूज आने वाली है। चलिए बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआत में आपके चंद्रमा चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे तो वाहन संबंधित सुखों में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ा आपको एक सलाह दी जाती है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, कोई आपको लेके कोई ग्रह कलेश वगैरह हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में कुछ पेट संबंधी आपको रोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो खान पान पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो बहुत अच्छा जाएगा। और सप्ताह का अंत काफ़ी अच्छा आपका नज़र आ रहा है, उसमें आपको अपने काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं उन कर्क राशि वालों के लिए भी सप्ताह का अंत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ा इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। चलिए बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे तो भाई बहनों का सुख मिलेगा, उनके आशीर्वाद से आप काफी सफलता प्राप्त करेंगे और भाग्य का सितारा आपके बिल्कुल साथ देगा। सिंह राशि वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी किस्मत इन दिनों बहुत अच्छी रहेगी। और सिंह राशि वाले जो लोग राजनीति से हैं उनको थोड़ा इस समय सावधान रहने की जरूरत है, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रह सकता है। तो जो सिंह राशि वालों का सप्ताह का मध्य है उस समय उनको सलाह दी जाती है कि अभी किसी नए काम की शुरुआत ना करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, घर परिवार में अशांति का माहौल आपकी वजह से हो सकता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें सिंह राशि वालों। और अंतिम सप्ताह आपका काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, यानी कि अंतिम सप्ताह में आप भरपाई कर सकते हैं, आपको बिजनेस में भी सफलता मिलेगी, आपके काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी। नौकरी जो लोग ढूंढना चाह रहे हैं उनके लिए भी सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। तो बहन जी, जैसे भी आपने बताया ना कि सिंह राशि वाले खासकर जो खिलाड़ी हैं उनकी किस्मत उनका साथ देगी, और जहाँ तक मुझे पता है कि जो एमएस धोनी है उनकी भी सिंह राशि बनती है, तो मुझे लगता है कि आईपीएल में इस बार उनका जादू फिर देखने को मिल ही रहा है, तो और भी मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। अगर आप धन के इस समय आपको कोई परेशानी थी तो वो सब दूर हो जाएगी, यानी कि धन लाभ के भी योग आपके बन रहे हैं और कुल मिला के समय आपका बेहतर शुरू हो जाएगा। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह के अंत में बस आपको अपने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। जो गुस्सा आपको आ रहा है उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि धन लाभ का बड़ा जी योग है। चलिए बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि वालों, ये सप्ताह पूरा ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत ही आपके चंद्रमा आपके आपकी राशि में भ्रमण करेंगे तो बहुत शुभ योग है ये आपके लिए। आपके काम कारोबार में बहुत ज्यादा हम देखते हैं बहुत बड़ी तरक्की नजर आ रही है। सप्ताह के मध्य में आप यात्रा करेंगे और यात्रा से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और सप्ताह के अंत में आपको बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि आपके प्रमोशन का योग भी बन रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए, बिल्कुल तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। इस सप्ताह जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि पर, लेकिन उससे पहले हम अपना एक सवाल ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो अपना नाम दिवाकर बताते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ है उनकी 18 नवंबर 98 जी। और वो बताते हैं कि अभी अभी उन्होंने 12th के एग्जाम्स क्लियर किए हैं और फिलहाल वो बहुत कंफ्यूजन में है कि अब 12वीं के बाद वो आगे क्या क्या करना चाहिए, उन्हें किस क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहिए, किस मतलब किस फील्ड में करियर का कौन सा फील्ड उन्हें चुनना चाहिए। जी देखिए, अभी तो बता दें कि उन्होंने भी 12th के भी एग्जाम दिए हैं तो सबसे पहले इनको एजुकेशन क्या लेनी चाहिए 12th के बाद जो उनके लिए बेस्ट है। देखिए, अगर ये बीकॉम या बीटेक करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा करियर रहने वाला है, या अगर ये मास कम्युनिकेशन में जाते हैं तो ये फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दोनों तीनों फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी है करियर के लिए। अगर ये कहीं ना कहीं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि बुध इनका 11th हाउस में, अगर ये बिजनेस मैनेजमेंट में करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं आगे। और कुल मिला के इनका समय देखें तो जुलाई के बाद इनका समय अच्छा आ रहा है, उसके बाद एजुकेशन भी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रह रहा है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए तो आपका समय जुलाई के बाद शुभ रहेगा। चलिए वापस अपनी राशिफल पे लौटते हैं और अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत कुछ परेशानी रह सकती है आपके मन में, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के यात्रा से आपको नुकसान होगा, तो इस समय यात्रा टालें, यात्रा से कोई धन लाभ नहीं होगा और कंट्रोवर्सी में ना पड़े आपको सलाह दी जाती है। सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो रुका हुआ धन था वो आपको मिलने लग जाएगा, यानी कि परेशानियां आपकी खत्म होने लग जाएंगी। और सप्ताह अंत आपका बहुत अच्छा आ रहा है, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। अगर वृश्चिक राशि वाले जो लोग इस समय व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं वो इस हफ्ते के एंड में अगर करते हैं तो वो उनके लिए बहुत सफल रह सकती है। यानी कि पूरा हफ्ता वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा वाद विवादों से थोड़ा उन्हें दूर रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम धनुराशि की। धनुराशि वालों, सप्ताह की शुरुआत लाभ भाव में चंद्रमा भ्रमण करेंगे तो बड़े भाई से कोई लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं धनुराशि वालों, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। कुल मिला के समय आपका बहुत बढ़िया है। सप्ताह के मध्य में आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समय है, आप जा सकते हैं इस समय। और जो लोग बाहर बिजनेस करते हैं खासतौर से गारमेंट्स का, उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा ये सप्ताह का मध्य भाग। और सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो रहा है, यानी कि उस समय आपके जो प्लानिंग थी वो कंप्लीट अब हो जाएगी, यानी कि आपको जो आपने पहले मेहनत करी है पिछले कुछ दिनों की, उसके परिणाम आपको सप्ताह के अंत में मिलेंगे। तो आपके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी आपको सलाह दी जाती है कि अपना गुस्से पे कंट्रोल करें तो सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीतेगा। यानी कि कार्य क्षेत्र को लेकर धनु राशि वाले लोगों का जो पूरा हफ्ता जाएगा बहुत ही अहम जाने वाला है, महत्वपूर्ण जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 10वें भाव में भ्रमण करेंगे और जब 10वें भाव में चंद्रमा होते हैं तो आपको नई नौकरी का योग बन रहा होता है, यानी कि मकर राशि वाले जो पिछले दिनों से बड़े परेशान चल रहे थे उनको परेशानी से राहत मिलेगी, नई नौकरी का योग आपका मिल रहा है। जी नौकरी मिल सकती है। जी बिल्कुल। जो मकर राशि वाले जो व्यवसायी हैं, जो होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, जो लोग गारमेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए ये पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा, उनका काम कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा, यानी आपका बिजनेस तेजी से रन करना शुरू करेगा, तो समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। सप्ताह के अंत में आपको कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए और सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए सप्ताह के अंत में। चलिए अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की, कि कैसा कुंभ राशि वाले लोगों का ये सप्ताह जाने वाला है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी, इस समय आपको पूजा पाठ करेंगे तो आपको कोई मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है,
किस्मत का सितारा भी आपके पक्ष में रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि जो लोग लॉटरी जुए सट्टे में पैसा लगाते हैं, कृपया इस तरह काम को मत कीजिए, वरना आपको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और कुंभ राशि वालों जो इस समय यात्रा करना चाहते हैं या जो व्यापारी हैं जिनका ट्रैवल का काम है, ट्रैवल फील्ड से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी और सप्ताह के अंत में धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर सही जगह आप निवेश करते हैं तो ही आपको फायदा होगा, गलत जगह निवेश करेंगे तो धन हानि भी हो सकती है। जी बिल्कुल। अब हम मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना एक सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं और वो बताते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12th November 2001। हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला वक्त कैसा रहेगा, उनके क्या कहते हैं उनके सितारे कुंडली के। जी देखिए, आपके कुंडली के हिसाब से जो मैंने स्टडी करी है उसको देख के पता चल रहा है कि आपका मकर लगन है और कन्या राशि, यानी कि आपकी जो चंद्र राशि कन्या राशि बन के आई है और लगन में आपके मंगल है, ये मांगलिक योग बनता है, लेकिन ये बहुत शुभ योग है, ये आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपको व्यापार में बहुत भारी सफलता दिलाएगा और कुल मिला के समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में नीच में भी हैं, सूर्य भी नीच में, सूर्य को जल दें सुबह उठकर, ओम शम शनैश्चराय नमः शनि के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपको सिर्फ अभी कुछ समय रुकना पड़ेगा। यानी अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो जुलाई 2019 के बाद आपका समय बहुत अच्छा है, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हम अपनी मीन राशि का कि कैसा रहेगा उनका ये हफ्ता। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है, इस चीज़ को टालिए, मन थोड़ा परेशान रहेगा। सप्ताह के दो दिन आप थोड़ा परेशान रहेंगे तो आपको सलाह दी जाती है कि आप परेशान ना होएं और इस समय प्लानिंग कर लीजिए बजाय कि किसी काम को करने के, और सप्ताह के मध्य में आप उस काम की शुरुआत करेंगे तो सप्ताह के अंत तक उसका आपको लाभ मिलेगा। यानी कि शुरुआत आपको धीमी करनी है और सप्ताह के बीच में आपको अपने नए काम की प्लानिंग शुरुआत करनी चाहिए और सप्ताह के अंत में आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तो कुल मिला के अभी थोड़ा सा सप्ताह की शुरुआत अगर आप संभल कर चलेंगे तो पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। तो ये मयंक जी ने बताया कि इस हफ्ते कैसा रहेगा राशियों का दिन, मतलब पूरा साप्ताहिक राशिफल। अगर आपके भी ज्योतिष से संबंधित कोई सवाल है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम उन सवालों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप अपनी जन्मतिथि जन्मस्थल बताना प्लीज बताइएगा, क्योंकि उससे हम आपकी एकदम सटीक कुंडली निकाल सकते हैं। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि उसमें अगर जन्म समय और जन्म स्थान भी डालेंगे, नाम भी लिखेंगे और बर्थ ऑफ ईयर, तो उससे हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें, हम लोग डिटेल्स में बता सकते हैं आपकी कुंडली के बारे में कि क्या इस समय समस्या चल रही है और कब से आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें। जी, तब तक के लिए मुझे और मैंग जी को दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज़।